पाकिस्तानियों के फ्लड रिलीफ एफर्ट्स का जो कैंपेन था, तो उसमें मैं सेवन शरीफ गई थी अपनी टीम के साथ। और वहाँ पे भी ऑब्वियसली इससे पहले मैंने सिर्फ टीवी पे देखा था या सुना था कि किस किस्म के लोग वहाँ पे हार्डशिप फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन पहली दफ़ा मैंने जिसको कहते हैं कि लाइक वन ऑन वन जो है एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वाकई अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पे मतलब लिटरली इर्द गिर्द मतलब पानी था, मतलब किस तरह से वो लोग रह रहे थे, वी कैन नॉट इवन यू नो लाइक थिंक ऑफ लिविंग। वी आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक जैसे मैंने अभी जिक्र किया था आपको कि हम लोग सोशल इवेंट्स में हम लोग चाहते हैं कि जो लोग फ्लड में मसले में आ गए, अर्थक्वेक्स में मसले में आ गए, उनके लिए हम लोग जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके लिए हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको हम जाके यू नो फॉर दिस पर्पज़ वी आर थिंकिंग के टू डिवेलप अ ट्रस्ट लेवल इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हेल्थ के फील्ड में भी कुछ करें आकर। जब हमारे पास एक इस तरह का अमाउंट कलेक्ट हो गया कि हम जाना चाहते थे, तो हमने नेवी और आर्मी को कॉन्टैक्ट किया। नेवी ने हमें हेल्प की ट्रांसपोर्ट के लिए टू सक्खर। सक्खर में जो पनु आकिल में जो मेजर जनरल हैं, ही रियली हेल्प्ड अस अ लॉट, और उन्होंने हमें वहाँ रिहाइश दी, हमें उन एरियाज़ में लेके गए। हमने बाय हैंड हमने पूरी फ्लड रिलीफ के दौरान जितनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं, हमने मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स, आई थिंक 80% ऑफ द आइटम्स हमने बाय हैंड हमने या हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने खुद डिस्ट्रीब्यूट की है। डिमांड वगैरह देखी गई कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो हर बंदा कुछ ना कुछ तो दे ही रहा था, लेकिन वो चीज़ किस हिसाब से पैक होके जानी चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है जो कि अब नहीं पूरी हुई है, तो ये वो सारी चीज़ें थी कि अगर कि बॉटल नेक्स कहाँ बन रही है, अगर सखर पे कुछ सामान वगैरह गया है और वो वहीं पर ही आके रह जाता है, उसको आगे और ज़्यादा आपने मोबिलाइज नहीं किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि कुछ हमारे पास मटेरियल मुझे ऑलरेडी मिल गया था, कुछ जो थे हम लोगों ने जो ज़रूरत समझते हुए वो चीज़ की अवेलेबल लाइक मेडिसिन वर देयर इन सखर, तो उसको आगे मोबिलाइज हमने अपनी एफर्ट्स के थ्रू जहाँ पर जगह थी जो मोस्ट इफेक्टिव जो एरिया था वहाँ तक उसको पहुँचाने। हम लोगों की जो बेसिकली फंडिंग होती है वो इवेंट बेस्ड होती हैं। जिस तरह हम लोगों की फ्लड रिलीफ की जितनी फंडिंग आई थी, हमने 100% ऑफ द फंडिंग वाज गिवन टू द फ्लड रिलीफ विक्टिम्स। अक्सर लोगों का हमसे क्वेश्चन ये होता है कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आप लोग कैसे निकालते हो, तो उसका सिंपल क्वेश्चन ये कि हम सारे यंगस्टर्स वॉलंटरी काम करते हैं बिकॉज वी डू हैव अदर जॉब्स जहाँ से हम अर्न करते हैं, तो एक वो इशू हमारा हैंडल हो जाता है। सेकेंडली जो ऑफिस और पूरा ऑफिस सेटअप है हमारा, वो सारा हम मेरे डैड के हम अपने ऑफिस से हैंडल करते हैं, तो ही बेयर्स द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट बेस्ड फंडिंग हमारी इस तरह होती है कि जो इवेंट आता है, जिस तरह हम लोगों का जो 14 अगस्त वाला इवेंट था, उसमें हमने ये किया था कि उसमें इंडिविजुअल्स ने हमें पैसे दे दिए थे कि आप लोग जो चीज़ें खरीदो उसमें हमारा हिस्सा डाल देना, वरना अगर हम कोई ट्रेनिंग्स या सेमिनार्स या कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपनीज से हम लोग स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। एज मेंबर ऑफ पाकिस्तानी यूथ वी एंड माई टीम लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम लोग सबसे पहले अपना ट्रस्ट लेवल डेवलप करें इन द सोसाइटी, ताकि लोग जो है अपने अगर दे आर गिविंग देयर पेनी अपने पैसे दे रहे हैं तो वो आ सकें, या अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो वो आ सकें, ताकि आगे जाके जो लोग सर्विसेज देते हैं हमको उनको भी रिकग्निशन मिले, उनको भी सर्टिफिकेट्स मिले। लेट से कोई अगर बंदा आके हमें कुछ ही इज़ टीचिंग फॉर अस, ही इज़ टीचिंग फॉर अस इन स्कूल, तो हम उसको भी रिकग्नाइज करेंगे, उसको भी लाइक टू गिव अ सर्टिफिकेट, ताकि उस बंदे को भी कुछ फ़ायदा नज़र आए हमें हमारे लोगों को टीच करने में। तो इट्स नॉट जस्ट ओनली अ सोसाइटी पर्पस, वी आल्सो गिविंग अ बेनिफिट टू दोस पीपल हु आर कमिंग एंड हेल्पिंग अस। जहाँ तक फंडिंग की बात है, तो वहाँ पे मोस्टली जो है, एक तो लाइक ये है कि लाइक वी आर लाइक सिंस वी आर अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, तो ये है कि यू नो इट्स लाइक
वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए भी हो जाती है कि हम लाइक अगर मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं लाइक अपनी फ्रेंड्स को लाइक ग्रुप में अगर एक मैसेज सर्कुलेट कर देती हूँ उसके थ्रू फंडिंग होती है। इसके अलावा इट्स लाइक ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का जो है आई थिंक बहुत बड़ा किरदार है, इट हैज़ लाइक प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने मियारी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की और मुख्तलिफ इदारों में अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़ात पर यकीन रखने वाले ये नौजवान पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के कोशा हैं और अपनी बेहतरीन तवानाई और काबिलियत के ज़रिए मुफलिसी के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव, और जब तक पाकिस्तानी यूथ जब तक सब तक एक साथ नहीं हो जाते तो वो फील, वो स्ट्रेंथ और वो एफर्ट हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो आई वांट ऑल ऑफ द यूथ हु बीन सीइंग दिस और यू गोना बी सीइंग दिस, आई वांटेड टू रजिस्टर इट टू आवर पर्टिकुलर वेबसाइट सो दैट वी नो व्हाट आवर मेंबर्स आर, हु वांट्स टू जॉइन, व्हिच कैटेगरी दे वांट टू बी इन एंड व्हिच एरिया दे आर इन फुल कॉन्फिडेंस इन। अभी भी बल्कि हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह सजावल या इंटीरियर में ही कहीं और होगा, क्योंकि हमें अभी भी फंडिंग्स आ रही हैं, हमारी सऊदीया टीम से माशाल्लाह काफ़ी फंडिंग आ रही है, तो हम लोग अभी भी जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में ही इन्वॉल्व हैं एंड वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग मोर हाउसेज इन इंटीरियर सिंध। पाकिस्तानी यूथ जो है मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी NGO है, एक बहुत अच्छी मूवमेंट है ये, और मैं इंकरेज करूँगा कि इसकी पार्टिसिपेशन लेवल जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, एज ए लोग जो हैं यानी कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान यूथ आए हमारे साथ और हम एक साथ मिलके जो ना अपने जो हैं जो हमारे ख्वाब हैं जो हमारे गोल